कोटा में बिहार के छात्र ने की सुसाइड, रोशनदान से लटका मिला शव, महीने का चौथा और साल का 21वां मामला है। बिहार के गया के रहने वाले 18 वर्षीय छात्र वाल्मीकि प्रसाद ने 15 अगस्त की शाम को सुसाइड कर ली। आईआईटी और नीट प्रवेश परीक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस न कर पाने की वजह से कोटा में हर साल कई छात्र सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइड की वजह से छात्रों की हो रही मौत पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भी चिंता जाहिर की है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक कोटा में इस साल आई स्टूडेंट की आत्महत्या का 21वां मामला है, वही अगस्त में चौथा केस है। जिला कलेक्टर ओपी बोनकर ने क्या निर्देश दिए, आइए सुनते हैं। अब ये तो बात तो सही है, वहाँ पर पेरेंट्स का महत्वाकांक्षा ही कहीं ना कहीं इसके पीछे आती है, क्योंकि बच्चा तो टीनेजर है। बच्चे के प्रति पेरेंट्स की भावना यही है कि बच्चा तो बच्चा है, अपना डिसीजन खुद तो नहीं कर पाएगा, इसका तो भला बुरा हम सोचते हैं। लेकिन वो भावना अब पेरेंट्स की ऐसी भी नहीं होती कि बच्चा लाइफ की कीमत कुछ करे, उसको अगर पेरेंट्स को पहले पता चल जाए कि हमारा बच्चा स्टूडेंट कर सकता है, तब तो हो सकता है वो कोचिंग छुड़ा दे उसको। कोई पेरेंट नहीं चाहेगा बच्चा कोचिंग के कारण से कुछ स्टार्ट कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं पेरेंट्स को इस बात का इतना डाउट नहीं होता कि बच्चा इस हद तक भी जा सकता है। अगर थोड़ा सा भी इसको डाउट हो जाए तो मेरे ख्याल से पेरेंट्स छुड़ाएंगे, लेकिन तो पेरेंट्स तक ही पहुँचना बहुत जरूरी होगा।